नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट यानी नीट से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और इस परीक्षा का आयोजन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस भेजा है। कथित पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने को लेकर याचिका डाली गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के साथ ही इससे जुड़ी बाकी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाए जाने की मांग को खारिज कर दिया है, यानी काउंसलिंग जारी रहेगी। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को लेकर उठ रहे सवालों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी सुबोध कुमार सिंह ने शनिवार 8 जून को दावा किया था कि नीट की परीक्षा के दौरान पेपर लीक की कोई घटना नहीं हुई है। So we have analyzed all the things and transparently and then declared the result. So this was and this problem was happened like out of 4,750 centers, it was limited to few 6 centers and out of like 24 lakhs, it was only 1,600. So the integrity etc. of this exam throughout the country was not compromised. And one issue which was happened in Savai Madhavpur that because of wrong Hindi English distribution, we took the action immediately and because by that time at every center candidates were inside. So the question paper in social media was around 4:28-4:29 p.m. after the start of 2 hours 28 minutes later. So we said that there is no paper leak and we reconducted the exam at that center with a different question paper and it went smoothly. And then there were allegations from some other centers that there is a possibility of paper leak. So we all again analyzed our system and denied that report through the press release on 6th of May. So the whole exam process has been very transparent and the integrity of the exam was not compromised at all and categorically stated in our press release. So we assure all the student community that the exam has been done with full integrity. So this is a brief of the things. हम आपको बता दें कि 4 जून 2024 को नीट परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद ऐसे कई दावे सामने आए हैं कि इस परीक्षा का आयोजन ठीक तरह से नहीं हुआ। नीट परीक्षा 5 मई को हुई थी। नीट परीक्षा देने वाली स्टूडेंट आयुषी पटेल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने एनटीए पर गंभीर आरोप लगाए हैं और न्याय की मांग की है। सुनिए आयुषी पटेल को। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी मोहन रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके एक घंटे बाद मेरे पास NTA की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा। रात में, मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने NTA को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही उसको, कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था।
इस तरीके से NTA ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा बिल्कुल टॉन कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने फाड़, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने NTA की फ़ाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाईकोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। उसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं अपनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें और मुझे प्लीज़ इसमें जस्टिस दिलाएँ। क्योंकि अगर अब मेरे साथ या मैं डिप्रेशन में गई तो मेरा नीट और पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि मैंने पूरे साल इतनी मेहनत करी, ना मैं सोई अच्छे से, ना मैंने खाया, मैं अपनी कोचिंग में रही और मैं सिर्फ पढ़ी हूँ। मैंने किताबें, मतलब एकदम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझें, मेरे सारे मेरे पास जितने प्रूफ्स हैं और जो NTA से मेल आया है, मुझे सपोर्ट करें और जस्टिस दिलाएं कि मेरा पेपर दोबारा से चेक हो, जो मेल पे मेरा पेपर आया है वो चेक किया जाए और मेरा भी रैंक में नाम आए जैसे सबका आया है, क्योंकि मेरा रिजल्ट ही नहीं दिया गया मुझे। आई होप फॉर द बेस्ट और मैं आपसे सपोर्ट चाहती हूँ सर, थैंक यू। तो देखा है आपने आयुषी पटेल को किस तरह से NTA से गुहार लगा रही है। आयुषी जैसी कई छात्राओं ने रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाया है और इसकी जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर सुनवाई चल रही है, जिस पर अब 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RAD न्यूज, पटना।